बहुत खुशी का विषय है कि मुझे अपनी प्यारी प्यारी मुन्नी बहन के बर्थडे के विषय में चंद क्षण कुछ बोलने का अवसर मिला। प्यारी मुन्नी, हमारी यज्ञ रक्षक प्यारे बाबा के यज्ञ की आन मान और शान को बनाए रखने वाली, हम सबको स्नेह प्यार से निहारने वाली ऐसे मुन्नी के बर्थडे की मैं कितनी ना मुबारक दूं। कभी भी आपकी चेहरे पर मुरझाइश ना आए, सदा आपका चेहरा खिला रहे, आपका तन सुरक्षित रहे। ये तन केवल आपके लिए नहीं, ये तन प्यारे बाबा के यज्ञ के लिए है और यज्ञ की शोभा है। इसलिए मैं हृदय से सदा यही कहूंगी, स्वस्थ रहो, कुशल रहो, खुश रहो और सबकी सेवा में सदा हाजिर रहो। ऐसी प्यारी मुन्नी को बारंबार उनके 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी अति स्नेही बचपन की साथी मुन्नी बहन, जिनका ऑफिशियल नाम लक्ष्मी बहन है, मैं देखती हूँ आपका जीवन बहुत ही वरदानों, आशीर्वादों और दुआओं से संपन्न है। इसलिए संगम युग की लक्ष्मी आपका नाम। प्यारे साकार बाबा के द्वारा आपको वरदान मिला, दादियों के द्वारा आशीर्वाद मिले, अव्यक्त बाप दादा के द्वारा शाबाश मिली और इस विशाल यज्ञ के संरक्षक के रूप से जो आप यज्ञ को संभाल रही हैं, इतने भाई बहने उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, उनसे कितनी दुआएं आपको मिल रही हैं। बाबा ने कहा कि जो बच्चा विश्व की आत्माओं की सेवा करता है वो विश्व महाराजन बनता है। आपने अपनी सीट फिक्स कर ली और यह संगम युग पर, जन्म दिवस पर, आपके अमृत उत्सव पर, 75 ईयर्स संपन्न करने पर आपको कोटि कोटि थालियां भर भर करके मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और आपने अपने व्यक्तित्व और कर्मों के द्वारा बाबा की पहचान, दादियों की पहचान दी है, जो बहुत बड़ी सौगात आप विश्व को दे रही हैं। मुन्नी दीदी जी का आरंभ से ही बहुत बड़ा भाग्य रहा है। आपको प्यारे बाप दादा ने भी वरदानों से सजाया है, साकार में भी, अव्यक्त में भी। दादियों ने भी आपको बहुत आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दिए हैं। उनकी पालना से आप इतना आगे बढ़ती रहीं और वो अनुभव आपने जो जीवन में पाया वो सबको बांट रही हो, ऐसी पालना आप सबकी कर रही हैं जो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और राजी होकर जाते हैं। मैं देखती हूँ आप हर समय हाजिर रहती हैं, चाहे तबीयत आपकी कैसी भी हो उसकी परवाह ना करते हुए भी आने वाले भाई बहनों को बहुत प्यार से पालना देती हैं, दृष्टि देंगी, उनकी जो इच्छा है
उसको पूरा करती है। बाबा ने आपको अनेक विशेषताओं से भरपूर किया है, जन्म से भी आपका ये भाग्य रहा है, इसीलिए सिर्फ मुन्नी ही नहीं आप लक्ष्मी भी हैं, सदा संपन्न और भरपूर आत्मा हैं। और इस कारण से मैं देखती हूँ आपका दृष्टिकोण भी बहुत बेहद का है, और इतने बड़े बेहद के परिवार यज्ञ की सेवा के भी आप निमित्त बनी हैं, और उतने ही बड़े दिल से आप सब सेवाएं करती आ रही हैं, और बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही उमंग के साथ, कभी मैंने आपको नीरस नहीं देखा, चाहे कितनी भी बातें सामने आए, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी सामने आए, वो तो हम समझ ही सकते हैं कि जब बड़ा कार्य करो तो कार्य के साथ साथ बातें भी बड़ी होती हैं, परंतु आप कभी उदास नहीं हुई, नीरस नहीं हुई, हमेशा उमंग से रही, उत्साह से, और खुशनुमा चेहरा आपका और व्यवहार आपका सबको बहुत बहुत आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, आपकी तो मेमोरी की तो क्या दांत दें, सभी इस बात का अनुभव करते हैं, सभी ये विशेषता आपकी सुनाते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि ऐसी मेमोरी आप आत्मा की कैसे बन गई, तो देखने में आता है क्योंकि आपने कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं सोचा, कभी भी अपना समय, संकल्प किसी भी दूसरे कार्य में या जिसकी ज़रूरत नहीं है उसमें नहीं लगाया, सदा व्यस्तता सेवा की, बाबा और सेवा और परिवार सदा आपकी बुद्धि में रहता है। इसलिए देखो, बाबा ने आपकी बुद्धि को भी इतना तीक्ष्ण बना दिया, आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज कर दी, जो आपको कोई भी समय की कोई भी बात और कोई भी लेन देन, कोई भी वस्तु व्यक्ति कभी भूलता नहीं है, क्या इसको देना है, क्या इसको चाहिए, कब क्या किया था, कमाल है मुन्नी दीदी जी आपकी, कमाल है, आपसे सीखने को मिलता है, और हमारा दिल बार बार हर्षित होता है और गाता है, आप जियो हजारों साल, एक शताब्दी तो क्या, अनेक शताब्दियां आप ऐसे ही चलते रहें, और सतयुग आने तक आपकी ये बेहद सेवा और आपका बेहद प्यार सबको मिल रहा है और मिलता रहेगा।